राहत संगठन के अध्यक्ष एवं विशाल बच्चू कड़ू से हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की। इस दौरान वे बोले कि 2024 में प्रहार के 10 सीटें निश्चित ही चुनकर आएंगी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर बच्चू कड़ू ने प्रतिक्रिया साझा की। विधायक बच्चू कड़ू हमारे साथ है। उस दिन जो बावन कुले ने पत्र परिषद ली थी उसमें कहा था कि हमारे बीजेपी के विधायक जो है वो ज़्यादा चुन के आएंगे, उस पर आपने एक प्रत्युत्तर दिया था कि 10 प्रहार से भी विधायक चुनकर आएंगे, ये क्या कॉन्ट्रोवर्सी रहेगा? 10 प्रहार के विधायक रहेंगे और हम दावे के साथ कहते हैं हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और आगे वाले चुनाव में 2024 में प्रहार 10 को लेकर विधानसभा में पहुंचेंगी। जिस तरह से अभी आप अलायंस में हो आप, तो किस तरह से मतलब ये अलायंस हो ना हो तो भी 10 हमारे रहेंगे। और जो कल के जो चुनाव के जो आए हैं रिपोर्ट रिजल्ट आए उसमें आपके भाई जो है वो भी चुन के आए हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखो काम करते रहे तो लोग उसका परिणाम देते हैं। जैसे सिंधिया और फडणवीस के सरकार के जितने ज़्यादा ग्राम पंचायत चुनाव जीते हैं, इसका मतलब यही है कि आगे वाले और 15 साल ये सिलसिला चालू रहेगा। और उसके साथ प्रहार ने भी अमरावती ज़िले में 50 के ऊपर अपना आंकड़ा जमाया है। पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 20 से 25 सरपंच पद के लिए हमारे प्रहार के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग हो रही है विपक्ष द्वारा, और विपक्ष का ये भी कहीं ना कहीं मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष को बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता है, तो इस पर क्या? ऐसा ही होता, जब उधर बैठे तो उसकी सबकी आवाज यही रहती है और वही बोलना पड़ता है उनको। आप फिलहाल अलायंस में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। आपने अभी तक कितने मुद्दों को रखा है? हमने कल एक विद्युत उपकेंद्र सहायक का मुद्दा उठाया था। हमारे बाजार समिति में जो हाल बेहाल होते उसके बारे में हमने मुद्दा उठाया था। आज घर के बारे में जो हमारे निवारा है 50-60-100 साल के बाद अभी तक अन्न वस्त्र निवारा, ये घटना का पसायदान था और उसमें का निवारे का व्यवस्था अभी तक 50-70 साल में हुई नहीं, वो मुद्दे को लेकर आज हम बोलने वाले हैं। एसटीपी की जो मांग हो रही है इस पे आपने कुछ जवाब नहीं दिया, मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही है। ऐसे तो कोई वजह तो हो ना, एनआईटी का जो भूखंड था उसमें नहीं कहीं नहीं कोई भी कुछ भी बताएगा कल माफी राजीनामा, ऐसा थोड़ा होता है। आप पर भी आरोप हो सकते हैं, कोई भी आरोप हो सकते तो किसी तरह का प्रूफ नहीं है, किसी तरह के दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है विपक्ष जो है लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, ये गलत है, ऐसा भी बच्चू कड़ू इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।